हे गाइस, वेलकम बैक एंड स्वागत है आप सब लोगों का सुनील गेमर की एक और न्यू वीडियो के अंदर। सो गाइस, जो आज का जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होने वाला है पबजी लवर्स के लिए। गाइस, अगर आप एक पबजी के प्लेयर और पबजी मोबाइल अगर अपने मोबाइल फोन में कंटिन्यू खेलते हो ना, तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। आप मेरे हर एक वीडियो स्किप करते हो मुझे पता है, लेकिन इस वीडियो को भाई लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पबजी मोबाइल के टॉप 4 न्यू ट्रिक्स बताऊंगा। ट्रिक्स तो मैंने बहुत बताई है, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मिलिट्री बेस के एरिया में मैं तुम लोगों को एक ऐसा ग्लिच बताने वाला हूं ना भाई, एक ऐसा ग्लिच बताने वाला हूं ना जिसके जरिए तुम मतलब इतना इजीली एनिमीज को किल कर सकते हो कि मुझे नहीं पता, और तुम लोग बिल्कुल गायब हो जाओगे मिलिट्री बेस के एरिया में, तुम लोग बिल्कुल भी नहीं दिखोगे। तो भाई, ये वीडियो बनाने मेरे को इतना ज्यादा मजा आ रहा है, इतना ज्यादा मजा आ रहा है, मैं बस यही सोचा था कि वीडियो कब अपलोड करूं। तो प्लीज यार, इस वीडियो को पूरा प्यार देना। इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को पबजी वर्ल्ड के जो है 4 ट्रिक्स बताऊंगा जो कि बहुत ज्यादा अमेजिंग, और इन 4 ट्रिक्स को अगर अपने गेम में यूज करोगे तो इजी आप किसी भी एनिमीज को किल कर सकते हो, इजी आप चिकन डिनर ले सकते हो, एंड मैं तुम लोगों को चिकन डिनर लेके बताऊंगा। तो प्लीज यार, इस वीडियो को लाइक कर देना, 18,000 लाइक का टारगेट है, कंप्लीट कर देना, एंड नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पबजी वर्ल्ड की जो पहली ट्रिक है गाइस, वो है मिलिट्री बेस के एरिया में। अब मैं ये नहीं चाहता था यार कि मतलब मैं तुम लोगों को मतलब लास्ट में ये ट्रिक बताऊं, मैं तुम लोगों को पहले ये ट्रिक बताता हूं। ओके, और ये वाली जो ट्रिक है ना, मैंने खुद ने ढूंढी है भाई, मतलब बहुत मैं खेल रहा था आज दिन में, और भाई ये जो ट्रिक मिल गई मैं बहुत ज्यादा खुश हो गया। तो क्या करना है, मिलिट्री बेस के एरिया में गाइस जो है मतलब कि सामने की तरफ जो है इस तरीके से बिल्डिंग दिखती है। पहले एक बॉट को मैं क्लियर कर दूं भाई, जब भी मतलब कि मतलब कोई भी ट्रिक शूट करो ना, बॉट तो भाई अपनी मतलब पूरी की पूरी खातिरदारी करेंगे, अपना मतलब कि वीडियो के अंदर जो है नाम आना ही चाहिए, बॉट यही चाहता है। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है इस वाली मतलब बिल्डिंग में आ जाना है, 3 स्टोर के राइट हैंड साइड में जो बिल्डिंग है यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने को जो है आप लोगों को इस तरीके से जगह पे आना है। ओके, अब यहाँ पे तुम लोगों को पता है ऊपर चढ़ने की एक सीढ़ियों की तरह जगह है, तो यहाँ पे देखो एक बहुत सारा जो है मतलब कोना खाली सा पड़ा है। ओके, यहाँ पे मतलब ये अंदर से जो है खोखला है, और इस वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को कैसे ट्रिक बताऊंगा कि तुम लोग इसके अंदर जा सकते हो, यहाँ पे एक अंदर कमरा है वो कैसे जा सकते हो। तो करना है आप लोगों को पास वाला जो दरवाजा है, पास वाले जो कमरे का दरवाजा है, आपको यहाँ पे जो आके इस तरीके से खड़े हो जाना है गन लेके। ओके, अब जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, वैसे वैसे करोगे तो 100% भाई ईजी ट्रिक काम करेगी, एंड ये ग्लिच है जो कि काम कर रहा है अभी पबजी वर्ल्ड में, पता नहीं कब फिक्स होगा, लेकिन भाई अभी तो चल रहा है भाई, तो मजे ले सकते हो। तो खड़े खड़े आपकी ये ट्रिक काम नहीं करेगी, मतलब कभी कभी करती है, खड़े खड़े भी करती है, पिछली बार जब मेरा ग्लिच हुआ था तो खड़े खड़े करती है, लेकिन ये बैठ के करिए। आपको बैठ जाना है, आपके फ्रेंड को आपका जो दोस्त होगा ना आपके साथ में, उसको बोलना है कि भाई तू नीचे लेट, और उसके बाद जो है इधर उधर उधर मतलब हिल डुल, जिसके जरिए जो है तुम लोगों को पुश देगा पीछे से, एंड तुम लोग अंदर की तरफ जा पाओगे। तो आपको इस तरीके से व्यू रखना है अपना, जो आपका माथा होगा उसमें हेलमेट वगैरह नहीं पहन के रखना है, मतलब सर होगा माथा के, बोलो सर होगा उसका हेलमेट वगैरह नहीं पहन रखा है। और देखो मेरे फ्रेंड ने जैसे मतलब कि नीचे से पुश किया, एंड बूम गाइस, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं आ चुका हूँ इस कमरे के अंदर। अब भाई इस कमरे के अंदर आने का मेरा दोस्त तो बिल्कुल मतलब अभी मैंने क्या है ना कि साउंड तो बंद कर दिया है, लेकिन मेरा दोस्त तो चौंक गया है, बोल रहा है भाई कि क्या हो गया, तू कहाँ गायब हो गया। तो आप लोग जो है इसके अंदर आ सकते हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी एडवांटेज आपके लिए क्या है ना कि आप लोग इजीली जो है बाहर के एनिमीज को मार सकते हैं। अब देखो मैं तुम लोगों को रिकमेंड करूंगा इस ग्लिच को यूज करके ज्यादा एनिमीज को किल मत करना भाई, होगा तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मतलब गलत तरीके से नहीं होना चाहिए बंदा को, एंड भाई अगर मजे लेना चाहते हो तो भाई इस ग्लिच को तुम बहुत तगड़ा वाले यूज कर सकते हो। एंड यहाँ पे क्या है कि मतलब एक ही डिसएडवांटेज है कि तुम लोग यहाँ पे आने के बाहर नहीं निकल पाओगे। ओके, बाहर नहीं निकल पाओगे, लेकिन मैं बहुत अमेजिंग ग्लिच है, तुम अपने दोस्तों को बता सकते हो और इजीली एनिमीज को किल कर सकते हैं। तो ये तो था गाइस पहला पबजी वर्ल्ड का ट्रिक। अब मैं बताता हूं पबजी मोबाइल का दूसरा ट्रिक। अब ये दूसरा ट्रिक है वो बिल्कुल नया है, एंड तुम लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, हेल्पफुली करेगा, मतलब हेल्प करेगा तुम लोगों के लिए। तो लास्ट का जोन यहाँ पे बनता है, एंड यहाँ पे जो है मतलब कि ब्रिज कैंप तुम लोग करोगे तो यहाँ पे काम करेगा। यहाँ पे तुम लोगों को आगे एक बहुत सारा बड़ा सा मतलब एक बिल्डिंग से दिख रहा होगा, एक बहुत सा बड़ा कमरा से दिख रहा होगा। तो इस ट्रिक के अंदर क्या है कि तुम लोग इसको क्लाइम कैसे कर सकते हो। अब ये बहुत मतलब ईजी बात है कि भाई इसको क्लाइम क्या कर रहे, इसको तुम क्लाइम कर देंगे, लेकिन भाई बहुत मुश्किल वाली बात है इसको क्लाइम करना, क्योंकि इसके ऊपर कोई सीढ़ियां नहीं है, और भाई हैकर तो नहीं कि हाई जंप करके चले जाओगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ना ट्रिक किस तरीके से आप लोगों को इसको क्लाइम करना है, आप इसके टॉप पे कैसे जा सकते हो, इसके ऊपर कैसे चढ़ सकते हो। तो यहाँ पे बॉट दादा ने तो मतलब बॉट्स जो थे उसने तो अपनी जो है मतलब पूरी की पूरी मतलब खातेदारी जो भी थी उन्होंने अपनी एंट्री पूरी मार के अपना अपना नाम वगैरह जो है गेम में ले लिया है, मतलब गेम में नाम वगैरह तो दिलवा दिया है। तो अभी जो है हम बताता हूँ कि किस तरीके से आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो। तो करना कि आप लोगों को इस तरीके से कोई दीवार सी मिलेगी, टूटी फूटी दीवार है, पबजी ने ऐसी छोड़ रखी होगी, आपको ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक जंप करना है, आप थोड़ा सा ऊपर आ जाओगे, उसके बाद आपको एक और जंप करना है, एंड बूम आपको यहाँ पे आ जाओगे। ओके, यहाँ पे आने को जो है आप लोगों को आगे की तरफ जो है मतलब कि धीरे धीरे जाना है। आप दौड़ के जाओगे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है तो भाई फर्स्ट टाइम तो धीरे धीरे काम करे तो भाई अच्छा रहता है। तो मैं देखो मैं ऊपर आ गया, ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे भी अपने फ्रेंड की हेल्प लगेगी, लेकिन आपके एक फ्रेंड की नहीं लगेगी, आपके दो फ्रेंड आपके होने चाहिए। और पहली बार क्या है कि मैंने इसको मतलब कि वीडियो शूट करने के लिए मैंने एक फ्रेंड की जरूरत समझी, मैं एक फ्रेंड को मतलब कि नीचे रखे मैंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जा पाया। फिर आपके दो फ्रेंड को आपको क्या बोलना है कि भाई जो है मतलब तुम अपना पिछवाड़ा मेरे सामने करो, एंड उसके बाद जो है तुम लोग मतलब उधर की तरफ देखो, एंड उसके बाद जो है तुम लोगों को जंप करना है। ओके, तो यहाँ पे
देखो आपको इस तरीके से आपका फ्रंट बैट जाना है, उसको देखो यहाँ पे आना है और जंप वाला जो बटन होगा उसको बार बार क्लिक करना है। ओके, हर बार नहीं मानेगा लेकिन बार बार क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे तुम लोग देखना अभी मेरा जो है काम कर जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने बार बार क्लिक किया और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बूम गाइस, आप इस ऊपर वाले जो है मतलब कंटेनर के ऊपर आ जाओगे। उसके बाद जो है आप लोगों का क्या करना है, एक जंप करना है एंड बूम यहाँ पे देख सकते हो इसको आप इजी क्लाइम कर दोगे, इजी क्लाइम। लेकिन भाई वही है ना कि मतलब हर किसी का दिमाग नहीं चलता, लेकिन मैं तुम लोगों के लिए ट्रिक्स वगैरह ढूंढ के लेके आता हूँ। तो भाई अभी तक लाइक नहीं किया और कंजूसी की है ना लाइक में, तो माँ के समय बता रहा हूँ पब्जी का अकाउंट बैन होगा तुम्हारा। प्लीज लाइक कर दो यार, जो भी लोग मजा कर रहा हूँ प्लीज जो भी लोग लाइक कर दो। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे लिए एडवांटेज क्या है कि अगर लास्ट का जोन यहाँ पे बनता है एंड तुम लोग अगर सोलो खेल रहे हो या फिर अगर पूरी स्क्वाड है पूरी बची हुई है एंड तुम लोग अकेले बचे हो, भाई किसी माइक लाल की औकात नहीं है तुम्हें मार सके। क्योंकि भाई पहली बात तो तुम फुटस्टेप देना ही मत, फुटस्टेप नहीं दोगे तो भाई उनको पता भी नहीं चलेगा, वो सोचेंगे लास्ट वाला ग्लिच होगा, वो हील बैटल के अंदर अगर तुम लोगों ने उनको हरा दिया तो भाई बहुत सही बात है। तो ये जो ट्रिक है ना बहुत अच्छी तरीके से काम करेगी, और यहाँ पे रहकर तुम अगर पास अगर स्नाइपर वगैरह है तो आप इजीली एनिमीज को किल कर सकते हो एंड जंप करोगे तो कोई डैमेज वगैरह नहीं होगा, ये भी काफ़ी ऐसी ट्रिक है। ओके, अब मैं बताता हूँ तीसरी ट्रिक। अब जो तीसरी ट्रिक है ना वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है एंड ये भी तुम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, ये है जॉम्बी इन्फेक्शन मोड की। ओके, तो करना क्या आप लोगों को, जॉम्बी इन्फेक्शन मोड में जब आप आते हो तो यहाँ पे जो ए वाली जो लोकेशन है आपको ए लोकेशन पे आना है, और यहाँ पे जो है ना इस तरीके से एक पेड़ सा दिखेगा, पौधा सा है, पेड़ है मुझे नहीं पता, लेकिन आप इसके ऊपर चढ़ सकते हो एंड भाई जॉम्बी कंफ्यूज कर सकते हो। करना क्या है, तुम लोगों को भाग के इसके ऊपर जाना है, और ऊपर जाने के बाद जो है आप लोगों को यहाँ से बड़ा सा जंप करना है, और जंप करते बूम गाइस आप यहाँ पे आ जाओगे, फिर इजिली आप एनिमीज को किल कर सकते हो। तो भाई देखो शॉर्टकट में मैंने कितना स्किप कर करके मैंने तुम लोगों को ट्रिक्स बताई ताकि तुम्हारा टाइम जो है ज़्यादा मतलब जाया ना हो। तो अभी मैं बताता हूँ चौथा ट्रिक। अब देखो जो चौथा ट्रिक है ना वो मतलब कि जो ट्रिक नहीं कह सकते उसको एक टिप्स कह सकते हैं। ओके, काफी सारे लोगों को मैंने देखा है पबजी के अंदर जो है वो मतलब कि कार्नेटेड बहुत मतलब चलाने की कोशिश करते हैं, हर एक बंदा जो है स्नाइपर लेने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर भी कुछ आप लोगों ने देखा होगा आपके पास स्नाइपर होती है लेकिन आप जो है मतलब कि किसी बंदे को मार ही नहीं पाते हो, आप एम करते हो एम आपको कहीं अलग लग जाता है। कभी कभी आप लोगों ने सोचा होगा कि आप लोग जो है मतलब मारते तो हेडशॉट हो लेकिन लगता बॉडी शॉट है, तो ये किस तरीके से कैसा ग्लिच होता है आपको बताता हूं। एंड अगर स्नाइपर यूजर अगर स्नाइपर चलाना जानते हो मतलब चाहते हो ना और बहुत ही परफेक्टली आप हर एक बंदे को शॉट एक एक सेकंड में मतलब देना चाहते हो तो भाई इस टिप को जरूर फॉलो करना जो कि मैं तुम लोगों को बताऊंगा। तो अभी जो टिप क्या है गाइस कि आप लोगों को देखो मैं यहां पे आ गया। अब यहां पे क्या है ना कि सबसे पहले देखो यहां पे मैंने स्कोप किया, स्कोप करने के बाद मैं एक एम करता हूं, यहां पे तो एम अच्छा नहीं लग रहा, सामने वाला जो बगी है वहां पे मैं एम करता हूं एंड यहां पे मैं एम करके जो है यहां पे मैं एक शूट कर लेता हूं। ओके, यहां पे देखो बहुत अच्छे तरीके से एम किया। अब एम करने के बाद सबसे पहले मैं जो एम वाला जो बटन है इसको मैं थोड़ा मतलब कि इनेबल कर लेता हूं ताकि तुम लोगों को सही तरीके से दिख जाए। तो देखो मैंने एम किया एंड एम करने के बाद मैंने मतलब कि मैंने शॉट ले लिया। अब देखो शॉट मैंने कहां लिया, एम मैंने कहाँ किया और एम मेरा कहाँ गया, तुम लोगों ने देखा अभी। और कई बार तुम लोगों ने ये देखा होगा कुछ लोग जो क्या करते हैं कि भाई मतलब तीन से चार गोलियां मारते हैं और तीन से चार की चार बंदों के हेड पे लगती है एंड पूरी स्क्वाड ही वो मतलब स्नाइपर से खत्म कर देते, तो कैसे करते हैं मैं तुम लोगों को बताऊंगा अभी इस वीडियो में। ओके, तो गाइस देखो यहाँ पे क्या है ना कि तुम लोग एक बार नोटिस करोगे अगर तुम लोग जो है इस तरीके से मतलब स्नाइपिंग करते हो ना तो बहुत गलत है। अब यहाँ पे क्या होता है कि तुम लोग एक बार मतलब कि किसी बंदे को मारते हो लेकिन उसमें क्या होता है कि तुम लोगों को एम बहुत देर तक लेना पड़ता है, मतलब कि क्या है कि तुम लोगों को मतलब कि बहुत टाइम देना पड़ता है सबसे पहले बंदे के हेड पे ले जाना पड़ता है एम को एंड फिर तुम लोगों को शूट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है कि मोबाइल थोड़ा स्लिप होता है और अगर तुम लोग जायरो यूज करते हो फिर तो भाई मुझे नहीं लगता कि तुम लोग मतलब सही तरीके से निशाने पे मार पाते हो, तो मारते हेड हो लेकिन लगता बॉडी शॉट है। तो अभी तुम्हें सेटिंग क्या करनी है एंड कैसे तुम लोगों को अपनी इंप्रूव करनी है अपनी स्नाइपिंग को, एक सेटिंग करनी है बस और तुम्हारी स्नाइपिंग काफी हद तक ज्यादा जो है इंप्रूव हो जाएगी एंड ये मैं काफी यूज करता हूं। एंड मैं भी भाई देखो मैंने बहुत सारे गेम प्ले डाले हैं टीडीएम वीडीएम के, मैं बहुत अच्छी स्नाइपिंग करता हूं। तो करना क्या है तुम लोगों को अपनी सेटिंग को ओपन करना है। ओके, सेटिंग को ओपन करने के बाद ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में देख रहा होगा एम असिस्ट, इसको इनेबल ही रखना है एंड यहां पे देखो बहुत सारी सेटिंग है। ओके, लेकिन दूसरी सेटिंग को छेड़छाड़ नहीं करनी और एम असिस्ट के नीचे है बोल्ट एक्शन राइफल्स एंड क्रॉसबो फायरिंग मोड। ओके, तो यहां पे क्या करना है, टैब होगा उसके ऊपर रिलीज वगैरह, रिलीज के ऊपर क्लिक कर देना है। अभी यहां पे तुम लोगों के लिए एडवांटेज क्या है, तुम लोग फायर वाला जो बटन है ना उसके ऊपर क्लिक कर दो, फायर वाला बटन पे क्लिक करके अपना एम कहीं पे भी ले जाओ, पूरा एम बैठा और उसके बाद तुम फायर करो, भाई तुम्हारा एम कभी मिस होगा ही नहीं, तुम्हारा एम कभी मिस नहीं हो सकता है। क्योंकि तुम्हें क्या करना है ना मतलब जो है ना फायर वाला बटन पहले ही दबा देना और उसके बाद जो स्कोप खोल के कहीं पे भी स्कोप ले जाके भाई एक जगह मतलब एक सेकंड के अंदर जो है बंदे के ऊपर हेड पे स्कोप ले जाके और फायर वाला बटन छोड़ दो, दबाना नहीं है छोड़ देना है और छोड़ते ही भाई काम कर जाएगा। देखो मैंने फायर वाला बटन दबा रखा है एंड मैंने एटेक्स को बंद कर दिया, अब सामने कोई बंदा आया एकदम से मैंने मतलब स्कोप खोला या फिर नो स्कोप भी आप देख सकते हो भाई। तो ये वाली जो ट्रिक है ना वो काफी अमेजिंग है एंड इसको तुम अपने गेम में यूज करोगे तो भाई अपनी स्नाइपिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम लोग जो है स्नाइपर के गॉड बन जाओगे, तुम बहुत स्नाइपर चलाने जाते हो, लेकिन भाई ऐसी बात नहीं है, तो मतलब अपनी स्नाइपिंग को काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है कि भाई मेरी स्नाइपिंग तो अच्छी नहीं है यार, मेरी स्नाइपिंग अच्छी क्यों नहीं हो पाती, लोग इतनी अच्छी से स्नाइपिंग कैसे कर लेते हैं, तो भाई देखो सिंपल बात यही है, अगर कोई मोबाइल प्लेयर है एंड वो बहुत अच्छी स्नाइपिंग करता है तो रिलीज पे रखता है वो हमेशा, टैप पे बहुत लोग कम रखते हैं एंड कुछ लोग रखते हैं तो मुझे नहीं पता होगा टैप पे, देखो टैप पे कितना मतलब कि गड़बड़ हो रहा है। देखो टैप पे मैं चला रहा हूं तो यहां पे क्या हो रहा है कि मतलब आई मीन हमको जो है एम भी एक सेकंड में करना पड़ता है एंड उसके बाद जो है हमें मतलब कि गोली भी जो है एक सेकंड में जो है मारनी पड़ती है, मतलब कि दोनों
दोनों काम साथ में करने पड़ते हैं, लेकिन रिलीज में जो है ऐसी बात नहीं है। तो गाइस ये था ये वीडियो जिसके अंदर मैंने लोगों को 4 या 5 पता नहीं, मुझे नहीं पता लास्ट हो चुका है, मुझे नहीं पता, मैं इतना घुस चुका था इस वीडियो में, लेकिन बहुत ज्यादा मजा इस वीडियो को मेरे को बनाने में। तो प्लीज़ यार तुम लोग सपोर्ट करना, इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना, हर एक दोस्त के साथ शेयर करना, एंड चैनल को अभी तक अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हमें जो है अभी 2 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, मजाक नहीं कर रहा, 2 मिलियन करने हैं, फटाफट करो सब्सक्राइब। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, चेक इन एंड बाय गाइस।